हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बिगेस्ट क्रिकेट कंट्रोवर्सीज ऑफ 2018। 2018 में इस जेंटलमैन स्पोर्ट में कई ऐसे सीरियस इंसिडेंट्स और कंट्रोवर्सीज हुई हैं जिसने हमें पूरी तरीके से शॉक कर दिया। क्रिकेट जिस गेम को मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, इसमें कॉन्ट्रोवर्सीज का होना कोई नई बात नहीं है। एंड नो डाउट 2018 में क्रिकेट में बहुत सी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, पर आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2018 की 5 मेजर कंट्रोवर्सीज को। एंड आपके हिसाब से 2018 का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सैंड पेपर गेट स्कैंडल। ये 2018 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही, जहां पर सबने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने सैंड पेपर का यूज करके बॉल टैम्परिंग करी और रंगे हाथों पकड़े गए। एंड इस वजह से आईसीसी ने इस बॉल टैम्परिंग स्कैंडल में इंक्लूडेड प्लेयर्स स्टीवन स्मिथ एंड डेविड वार्नर पर 1 साल एंड कैमरन बैनक्रॉफ्ट पे 9 महीने का बैन लगा दिया। एंड पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की बहुत बेइज्जती हुई। एंड ये प्रूव हो गया कि ऑस्ट्रेलियंस मैच में अपनी पावर बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, रमेश पवार वर्सेज मिथाली राज कॉन्ट्रोवर्सी। ये कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मिथाली राज को इंग्लैंड के अगेंस्ट होने वाले वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल में टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एंड इवेंचुअली इंडियन टीम भी वो सेमीफाइनल हार गई, जिसके एक दिन बाद मिथाली ने हेड कोच रमेश पवार को अक्यूज किया कि वो बहुत बायस्ड और डिस्क्रिमिनेटिंग है। जिसके बाद रमेश पवार ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि मिथाली बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल है और वो टीम में ग्रुपिज्म करती हैं। और कुछ दिनों बाद इंडियन T20 कैप्टन हरमनप्रीत कौर और ओपनर स्मृति मंधाना ने भी रमेश पवार को सपोर्ट किया। रमेश पवार का कॉन्ट्रैक्ट 30 नवंबर को खत्म हो गया, जिसके बाद BCCI ने उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया। एंड इवेंचुअली फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर WV रामन को इंडियन वुमेन्स टीम का कोच बना दिया गया। बट इस पूरे रमेश पवार के एरा में इंडियन वुमेन्स टीम ने बहुत इम्प्रूव किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, फैंस एंड मीडिया अटेंशन। नंबर 3, वर्बल वॉर बिटवीन क्विंटन डिकॉक एंड डेविड वार्नर। डर्बन में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो पहला टेस्ट मैच हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत इजीली जीत लिया था, उस मैच में डेविड वार्नर और विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के बीच में वर्बल फाइट हो गई। और एक सेशन के बाद जब दोनों टीम्स अपने अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जा रही थी, तब डिकॉक ने वार्नर की वाइफ के बारे में बहुत धीरे से कुछ बोला, जिस पर ऑस्ट्रेलियंस को बहुत गुस्सा आ गया। एंड डेविड वार्नर ने इसका रिप्लाई करते हुए कहा कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुमने जो भी कमेंट किया उसे तुम थोड़ा तेज बोलो। We all are men and if you are going to say something, look someone in the eye and say it. And इसके बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर ने ही पर्सनल अब्यूज के साथ ये सब स्टार्ट किया था, जिस पर डेविड वार्नर ने बोला कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि उन्होंने बाहर आके ऐसा स्टेटमेंट दिया। एंड इसके बाद डेविड वार्नर पे $13,500 का फाइन लगा दिया गया। एंड क्रिकेट ऑडियंस की नज़र में उनकी रेपुटेशन बहुत डैमेज हुई। नंबर 4, विराट कोहली ट्रोल्ड आफ्टर आस्किंग अ फैन टू लीव इंडिया। विराट कोहली अपने ऑफिशियल ऐप के लिए क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने एक फैन का ट्वीट पढ़ा, जिसमें लिखा था, ओवररेटेड बैट्समैन एंड पर्सनली आई सी नथिंग स्पेशल इन हिज बैटिंग, आई एंजॉय वॉचिंग इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मोर देन दीज इंडियंस। जिस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए कहा, कोहली के ये रिमार्क्स बहुत से लोगों को पसंद नहीं आए एंड जिस वजह से लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया। मे बी उन्होंने ये फ्रस्ट्रेशन में आके बोला होगा, क्योंकि बीइंग एन इंडियन कैप्टन आपकी छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट किया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 5, द नो बॉल ड्रामा।
अंपायर्स के गलत डिसीजंस बहुत टाइम से एक मेजर थॉट ऑफ कंसर्न रहे हैं एंड इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए DRS लाया गया, बट इसने भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस दिए हैं। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच मीरपुर में हुए तीसरे T20 मैच में हुआ, जहां चौथे ओवर में बांग्लादेशी बैट्समैन लिट्टन दास कैच आउट हो गए थे ओशेन थॉमस की बॉल पे। तभी उस मैच के अंपायर तनवीर अहमद ने उस डिलीवरी को नो बॉल डिक्लेयर कर दिया, जिस वजह से लिट्टन दास को उस मैच में एक और लाइफ मिल गई। बट वेस्ट इंडियन कैप्टन कार्लस ब्रैथवेट ने अंपायर को बोला कि वो नो बॉल नहीं थी, एंड जब उस बॉल का रिप्ले देखा गया तब पता पड़ा कि थॉमस का पैर क्रीज के पीछे ही था और वो नो बॉल नहीं थी। एंड देन कार्लस ब्रैथवेट एंड अंपायर्स के बीच में बहस हुई एंड मैच करीब 15 मिनट तक रुका रहा। फिर इस केस का इंस्पेक्शन करने के बाद मैच रेफरी जेफ क्राउनी नीचे ग्राउंड में आए और कैप्टन ब्रैथवेट को एक्सप्लेन किया कि क्रिकेट के लॉज के अकॉर्डिंग इस डिसीजन को कैंसिल नहीं किया जा सकता एंड इसको अंपायरिंग मिस्टेक माना जाएगा। वेस्ट इंडियन कैप्टन ने रेफरी की बात मानी और इस इंसिडेंट को भूलकर अपनी टीम को वापस चीयर अप किया एंड इवेंचुअली वो मैच जीत गए। ये थी 2018 की 5 सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे अपने लाइक्स एंड कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते डालता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।